वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बालाजी के एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? For any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. Divisibility rule में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 6 की divisibility rule क्या कहता है। If any number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6. कोई भी नंबर है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर एन क्यूब माइनस एन। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसको सॉल्व क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर यहाँ पे हमने एन कॉमन किया तो क्या राइट कर सकते हैं? एन स्क्वायर माइनस वन। या इसको क्या राइट कर सकते हैं? एन एन माइनस वन। इसको क्या राइट कर सकते हैं? एन माइनस वन और एन प्लस वन, ऐसा राइट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? जब वह 2 और 3 बोथ दोनों से डिविजिबल हो। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और राइट करेंगे। फर्स्ट हम लोग 3 से डिविजिबल इसको दिखाते हैं, तो राइट करेंगे व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द रिमाइंडर्स आर। जब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 और 1 और 2, क्योंकि जिससे कोई भी नंबर जिससे डिविजिबल होता है उससे कम ही तो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर हो गया, तो n की वैल्यू हम क्या राइट कर सकते हैं? n की वैल्यू को हम क्या राइट कर सकते हैं? n की वैल्यू राइट कर सकते हैं 3p, क्योंकि डिविजिबल है 3 से तो 3 हम राइट करेंगे यहाँ पे 3p। और क्या राइट कर सकते हैं? 3p प्लस 1 राइट कर सकते हैं। और क्या राइट कर सकते हैं? 3p प्लस 2 राइट कर सकते हैं, वेयर p सम इंटीजर। अब एक एक को हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर n इज इक्वल टू 3q और 3p, देन n इज डिविजिबल बाई 3। देखिए यहां पे जब p जो है 3 से डिविजिबल है, चूंकि n इसके इक्वल है तो n भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं इसको, n इज इक्वल टू 3p प्लस 1। जब 3p प्लस 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते, इसको ये डिफरेंट वे में हम इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं? n माइनस 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p प्लस 1 और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 आपका क्या आएगा? 3p। तो यहाँ पर आपका देन n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट हम लेंगे n प्लस 1 को, n प्लस 1 को हम लोग लेंगे तो क्या राइट कर सकते हैं? n को हमने कंसीडर किया 3 प्लस 2 कंसीडर किया, तो यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं? n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 2 प्लस 1,
तो ये क्या राइट कर सकते हैं, थ्री पी प्लस थ्री, तो ये हो गया थ्री, यहाँ से कॉमन किया हमने तो थ्री पी प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर आपका थ्री डिविजिबल है, जब ये थ्री डिविजिबल है तो ये भी थ्री डिविजिबल होगा, तो हम राइट कर सकते हैं देन एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई थ्री। अब ये जो भी नंबर हैं एन एन माइनस वन और एन प्लस वन, ये टोटली आपके थ्री डिविजिबल हो रहे हैं, तो हम राइट कर सकते हैं देन एन एन माइनस वन एन प्लस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री। ऐसे हम लोग टू से करेंगे तो हम राइट कर सकते हैं क्या, हम राइट कर सकते हैं व्हेन या सिमिलरली व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन द पॉसिबल रिमाइंडर आर जीरो और वन। जब कोई नंबर टू से डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या तो वन आ सकता है। तो यहां से एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहां हमने पी लिया था तो यहां हम क्यू लेंगे, तो क्या राइट कर सकते हैं टू क्यू और टू क्यू प्लस वन, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो कंसीडर करेंगे हम लोग एन इज इक्वल टू टू क्यू को, तो क्या राइट कर सकते हैं, ये आपका क्यू जो है टू से डिविजिबल है तो एन भी डिविजिबल होगा, तो राइट कर सकते हैं देन एन इज डिविजिबल बाई टू। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे एन इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन को, तो यहाँ एन माइनस वन लेंगे, पहले एन माइनस वन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर भी वन सब्ट्रैक्ट होगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका टू क्यू, तो राइट कर सकते हैं देन एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय टू। नेक्स्ट हम लोग लेंगे एन प्लस वन को, पहले एन इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन को ही कंसीडर करते हैं, तो एन प्लस वन लेते हैं तो क्या राइट कर सकते हैं टू क्यू प्लस वन तो यहाँ पे आपका आएगा टू क्यू प्लस टू, या टू कॉमन करते हैं तो क्यू प्लस वन, तो इसको राइट कर सकते हैं देन एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई टू। यहाँ राइट कर सकते हैं हम एन एन माइन वन एन प्लस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई टू। सिंस आपने यहाँ पे देखा एन एन माइनस वन और एन प्लस वन थ्री से भी डिविजिबल था, और यहाँ पे एन एन माइनस वन और एन प्लस वन टू से भी डिविजिबल है, तो हम राइट कर सकते हैं सिंस एन एन माइनस वन एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई टू एंड थ्री देयरफोर एन एन माइनस वन एन प्लस वन इज आल्सो डिविजिबल बाई सिक्स, क्योंकि ये सिक्स की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि टू और थ्री से अगर डिविजिबल है तो सिक्स से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं सो एन इज एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई
बाई एन। सॉल्व कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एनी ऑफ द फॉर्म 5q, 5q+1, 5q+2 फॉर सम इंटीजर q। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म का होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, वो इस फॉर्म का होता है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। यहां पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ चुके हैं, उसी को अप्लाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ये क्योंकि 5q के फॉर्म में चल रहा है तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 होगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू, वहाँ पे bq प्लस r हम लोग राइट करते थे, यहाँ bm प्लस r हम राइट कर दे रहे हैं, या पुट राइट कर सकते हैं b इज इक्वल टू 5। जब 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू वेयर r, r क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉसिबल हैं, तो इसको राइट कर से यहाँ क्या आएगा आपका 5m, 5m+1, 5m+2, 5m+3, 5m+4। तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं a इज इक्वल टू 5m, तो क्योंकि स्क्वायर करने को रहा है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m² या इसको राइट कर सकते हैं 5m² या इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 5q। वन मिनट्स। सॉरी, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 5q राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं वेयर वेयर क्यू इज इक्वल टू 5m². नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं a इज इक्वल टू 5m+1 को, तो यहाँ पे फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m+1 होल स्क्वायर, या इसको राइट कर सकते हैं 25m² प्लस 10m+1, या इसमें 5 हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5m² + 2m+1, या इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 5q+1 वेयर q इज इक्वल टू 5m² + 2m, राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट को हम लोग लेंगे तो नेक्स्ट हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 5m+3, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या राइट कर सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m+3 का होल स्क्वायर, या इसको क्या राइट कर सकते हैं 25m² प्लस, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 5 3 15 2 30m+9, या इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 25m² + 30m+5+4, ऐसे राइट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 5m² + 6m+1 और +4, ऐसा राइट कर सकते हैं, या इसको हम राइट कर सकते हैं 5q+4 राइट कर सकते हैं वेयर q इज इक्वल टू 5m² + 6m+1,
नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे a इज इक्वल टू 5m प्लस 4 को, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर, या इसको राइट कर सकते हैं 25m स्क्वायर प्लस 5 4 20 40m प्लस 16, या इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसमें हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, इसको इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, फाइव कॉमन करके क्या राइट कर सकते हैं इसको, हाँ इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 25 m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 15 और प्लस 1 राइट कर सकते हैं, इसमें फाइव कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा 5 m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 और प्लस 1, तो ये किस फॉर्म का हो गया 5 cube प्लस 1। तो यहाँ वेयर q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3। तो यहाँ देखिए टोटल जितने भी नंबर आ रहे हैं हमारे, जितने भी नंबर आ रहे हैं हमारे, इसमें किस फॉर्म के होने चाहिए, इसके स्क्वायर, सॉरी हमने रॉन्ग राइट किया है, 4 होना चाहिए, इस फॉर्म के होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5 cube आ रहा है, 5 cube प्लस 1 आ रहा है, 5 cube प्लस 4 आ रहा है, 5 cube प्लस 1 इसी फॉर्म का बन रहा है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफोर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एनी ऑफ द फॉर्म 5 cube प्लस 1 5 cube प्लस 4 फॉर सम इंटीजर क्यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बालाजी मैथ्स इन एक्सरसाइज 1.1। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8 cube प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यू। इसमें कह रहा है कि किसी ऑड इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, यही आपको प्रूव करना है। तो हम लोग राइट करेंगे लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए को क्या लेट कर लिया, कोई ए जो है वो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो वी नो दैट